कैपेसिटर वर्ड कहाँ से आया? कैपेसिटी, कैपेसिटी। जैसे आप एक सपोज कोई बकेट लेने जाते हो, बाल्टी लेने जाते हो, उसकी कैपेसिटी 5 लीटर की है, तो ठीक है उसकी कैपेसिटी 5 लीटर है। या आपने घर में टैंक लगवा रखा है पानी का, उसकी कैपेसिटी 2000 लीटर की है, तो उसका वॉल्यूम स्टोर 2000 लीटर है। तो ऐसे ही हम चार्ज को भी स्टोर करते हैं किसी जगह पे, उस डिवाइस को जो चार्ज को स्टोर करके रखता है उसे क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर वर्ड कहाँ से? कैपेसिटी। तो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो हम यहाँ कैपेसिटी नहीं बोलते, यहाँ पर कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है यहाँ तक? क्योंकि कैपेसिटी समथिंग रिलेटेड कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम के साथ एसोसिएट हो जाती है, पर कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिकल टर्म है। तो अब इसके अंदर ये कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्यों बनाया गया कैपेसिटर, पहले इसको समझते हैं। मेरे घर में ताज़ा पानी का नलका लगा हुआ है और सुबह प्रेशर अलग है, 9 बजे प्रेशर अलग है, 9 के बाद तो पानी नहीं है, फिर वेट करूंगा, शाम को पानी आएगा, स्लो आएगा, 6-7 बजे फुल प्रेशर होगा, 9 बजे फिर चला जाएगा, रात को 11 बजे नहीं आएगा। मेरे को 24 घंटे सप्लाई चाहिए विद अ कॉन्स्टेंट रेट। मैं नहीं चाहता मेरा प्रेशर कम हो, जितना प्रेशर चाहूँ उतना प्रेशर चाहिए 24 घंटे। तो ताजे पानी का नलका तो ये काम कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो वेरिएबल है ना, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी बिल्कुल भी नहीं, कभी ड्रॉप, चला ही जाएगा, ये काम नहीं कर पाएगा। आप अपने घरों की छत पे क्या लगाएं? बड़ा टैंक, 2000 लीटर का टैंक लगा लें, दो टैंक लगा लें, चार टैंक लगा लें, पानी भर के रख लें, और पानी को पहले ताजे पानी को उस टैंक में भरें, फिर उस टैंक से निकाल के टैप्स में से कांस्टेंट सप्लाई ली जा सकती है। क्योंकि एक बार टैंक भर गया फिर किसी भी रेट से बाहर निकाल लो आप, जो फ्रेश वाटर नहीं है टैंक का पानी है उसको नलका चलाओ, एकदम फुल प्रेशर के साथ आता है हमेशा, और वही प्रेशर है वो कभी चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि टैंक एकदम फुल रहेगा तो वो चेंज ही नहीं होगा। तो या फिर सेकेंड एग्जाम्पल, ताजे पानी का नलका चल रहा है तो धीरे धीरे पानी आ रहा है, कॉन्स्टेंट सप्लाई है, आपको 5 लीटर पानी चाहिए एक बारी में फेंकना है, तो ताजा पानी का नलका ये कर नहीं पाएगा। पहले आप क्या करोगे? बाल्टी भरोगे 5 लीटर की, फिर उस बाल्टी को उठा के फेंकोगे, ठीक? तो बाल्टी इज अ कैपेसिटर, बाल्टी कैपेसिटर है, और ताजे पानी का नलका एक बैटरी है जहां से वो चार्ज होगा। और फेंकने का मतलब है कि आप चार्ज को इकट्ठा फेंक रहे हो। अब चार्ज को इकट्ठा क्यों फेंक रहे हो? कुछ चीजें ऐसी हैं या कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं, जैसे आपके पास एक कैमरा है या आपके पास एक मोबाइल है, उसमें कैमरा है, रात को फोटो खींचनी है, नहीं आ रही क्लियर तो फ्लैश ऑन करते हो। फ्लैश एक जबरदस्त लाइट है जो चार्जेस से बनी होती है, लाइटनिंग की तरह चार्जेस को थ्रो करते हो इकट्ठे, धीरे धीरे चार्ज थ्रो करोगे तो लाइट एनर्जी ज्यादा नहीं आएगी, हल्की हल्की आएगी, उससे फोटो खींचनी जाएगी। तो आपको चाहिए बहुत सारा चार्ज जो इकट्ठे बाहर निकले इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। तो आप क्या करोगे? आप एक डिवाइस लोगे जो चार्ज को स्टोर करके रखेगा, जैसे पानी को स्टोर करने के लिए टैंक रखा हुआ था। तो पहले क्या करोगे? उस टैंक में कैपेसिटर जो चार्ज को भर लोगे, कहाँ से? बैटरी। बैटरी क्या करेगी? उसको एनर्जी देगी चार्ज की फॉर्म में। तो कैपेसिटर में चार्ज आ गया, फिर बटन दबाओगे, वो सारा का सारा चार्ज एकदम बाहर फेंक देगा वो, फिर कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, बाल्टी फिर भर जाएगी, कैपेसिटर फिर चार्ज हो जाएगा, फिर चार्ज को इकट्ठा फेंक सकते हो। तभी तो जब फोटो में बहुत बार लेते हो, 10-15 बार बैटरी एकदम ड्रेन हो जाती है, कैपेसिटर बाल्टी की तरह ले लेके पानी को फेंक रहा है, तो आपका टैंक तो खाली हो जाएगा, बैटरी तो खाली होगी। तो बिल्कुल वैसे ही आप बैटरी से पहले कैपेसिटर को चार्ज करोगे, फिर वो सारा चार्ज इकट्ठे बाहर फेंकोगे। तो उस डिवाइस जो इकट्ठा कर रहा है चार्ज को, उसका नाम क्या है? कैपेसिटर। कोई कहता है सीधा बैटरी से बाहर निकाल लो, नहीं, बैटरी चार्ज स्टोर नहीं करती, बैटरी के पास कोई चार्ज नहीं है, बैटरी केमिकल एनर्जी, केमिकल्स है उसके अंदर, लिक्विड है, तो बैटरी केमिकल एनर्जी स्टोर करती है और एनर्जी देती है ताकि कैपेसिटर चार्ज हो सके। उस एनर्जी से कैपेसिटर चार्ज होता है और फिर वो अपने चार्ज को उठा के फिर बाहर फेंकता है, वो फिर चार्ज करती है, फिर बाहर फेंकती है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? पंखे के अंदर भी कैपेसिटर लगा होता है, एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इलेक्ट्रिशियन आता है, पंखा स्लो चल रहा है, वो कैपेसिटर चेंज करेगा, वो ठीक हो जाएगा, तेज हो जाएगा। और पंखे को हम कंट्रोल करते हैं बाय रेगुलेटर, रेगुलेटर 1, 2, 3, 4, 5, वो क्यों? क्योंकि जो पीछे से बिजली आ रही है वो कैपेसिटर को चार्ज करेगी, और कैपेसिटर क्या कर रहा है?
आपको स्पीड स्लो करनी है तो चार्ज का आउटपुट स्लो कर देगा, तेज करनी है तेज कर देगा। तो कौन टैंक वाला काम कर रहा है, तो टैंक से आप पानी किसी भी रेट से निकाल सकते हो, पंखे की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है इसमें। कैपेसिटर खराब हो गया, कंट्रोल नहीं होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो कैपेसिटर की जरूरत वहां पर है जहां पर चार्ज को क्या किया जाएगा, स्टोर। तो स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर के केस में हमें चार्ज को स्टोर करने की जरूरत है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने की जरूरत है, जैसे घरों में पानी टैंक में स्टोर करते हैं। बैटरी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो केमिकल एनर्जी है उसमें। देयर इज अ नीड ऑफ स्टोरेज डिवाइस दैट कैन गिव लार्ज करंट या इलेक्ट्रिक करंट इन अ वेरी लेस टाइम, बहुत कम टाइम में बहुत चार्ज को फ्लो करवाएगी, बहुत हाई करंट कर देगी। इसको बोलते हैं कैपेसिटर। जैसे कि 25 लीटर पानी चाहिए इंस्टेंटली, तो बाल्टी लेनी पड़ेगी तो ही 25 लीटर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो कैपेसिटर की जरूरत तो है। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड चार्जेस। अब ये कंप्रेस्ड चार्जेस का मतलब क्या है? कंप्रेस चार्जेस का मतलब कि हमने चार्जेस को ठूस रखा है, जबरदस्ती कम जगह में ज्यादा चार्ज, क्योंकि कैपेसिटर जितना छोटा होगा स्पेस उतना ही कम यूज करेगा। बड़े कैपेसिटर तो जो मर्जी लगा लो, पर छोटी जगह में हम चाहते हैं ज्यादा चार्ज स्टोर हो। तो छोटी जगह में ज्यादा चार्ज का मतलब चार्ज क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा, मतलब बहुत ज्यादा चार्ज कम जगह में हमने डाल रखा होगा ताकि बहुत हाई एनर्जी स्टोर हो उस छोटी सी जगह में। तो ऐसा क्यों है बताता हूं अभी। अब जैसे सपोज करो हम एक टैंक की बात कर रहे हैं घरों में और कैपेसिटर की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, या इस चैप्टर में वो एक ही काम कर रहा है, पानी वाला काम टैंक कर रहा है और चार्जेस को स्टोर करने वाला काम कैपेसिटर कर रहा है, एक ही बात है। मान लो पानी के टैंक की कैपेसिटी 25 लीटर है और पानी भर दिया 25 लीटर, आपने नलका बंद नहीं किया तो पानी उसके अंदर जाए जा रहा है, 25 लीटर से ऊपर टैंक स्टोर नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, पानी क्या हो जाएगा, ओवर फ्लो हो जाएगा, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि टैंक का काम कैपेसिटर कर रहा है, इसमें भी सेम काम है। आपने इस कैपेसिटर को चार्ज दिया, कितना, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे दिया जाता है, बाय टेकिंग सम इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉन खींचते रहो, बॉडी में से बाहर निकाल लो, पॉजिटिव चार्ज। आपने एक इलेक्ट्रॉन खींचा, एक पॉजिटिव चार्ज, 100 खींचे, 100 पॉजिटिव चार्ज। आपने इलेक्ट्रॉन खींचने स्टार्ट कर दिए, इस पे पॉजिटिव 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 आना स्टार्ट हो गया। अब आप हट ही नहीं रहे, आप इसका चार्ज और खींच रहे हो, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका पोटेंशियल और बढ़ रहा है, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, 1/4πε0Q/R, क्योंकि क्यू बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा, तो वी बढ़ता जा रहा है। अब और खींच रहे हो, और खींच रहे हो, और खींच रहे हो, और पॉजिटिव, तो टाइट होता जा रहा है पॉजिटिव, देख रहे हो, क्योंकि आप और खींचे जा रहे हो तो चार्जेस कंप्रेस होते जा रहे हैं कम जगह में। एक ऐसा टाइम आया जब आपने इलेक्ट्रॉन इसमें से खींचने की कोशिश की, तो ये कंडक्टर कहता है भाई बस मेरे पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हाथ जुड़ गए, खत्म, और मेरे पास कैपेसिटी नहीं, मैंने सारे इलेक्ट्रॉन तेरे को दे दिए, मेरा पोटेंशियल अब मैक्सिमम है, मेरे से एक्सपेक्ट मत करियो। जैसे टैंक कहता है मैं 25 लीटर का हूं, मेरे को और पानी मत दियो, मैं बाहर फेंक दूंगा। तो ये भी स्फीयर यही बोलता है, अगर आप मुझे और चार्ज देंगे मैं उसको उठा के बाहर फेंक दूंगा। अब बाहर फेंकने का सिस्टम समझ लो, बाहर ये कोई पानी थोड़ी ना कि ऐसे बस बार 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 ग्राउंड पे चला गया, ये तो चार्ज है। चार्ज कहाँ जाएगा, हवा में। अब हवा में चार्ज उड़ते नहीं, अगर हवा में चार्ज उड़ते होते आधी दुनिया तो वैसे ही खत्म थी, चार्जेस से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, लोगों को करंट लग गया, लोग गए। तो ऐसे तो होता नहीं है, करंट तो लग नहीं रहे, क्योंकि एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छी बात है, एयर बैड कंडक्टर है, तो हवा में करंट या चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, और जबरदस्त बैड कंडक्टर है, इतनी आसानी से इसमें चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, बैड कंडक्टर है। बट एयर के अंदर पार्टिकल में एटम तो हैं, तो होता क्या है, जब आप इसमें बहुत हाई चार्ज दे दोगे पॉजिटिव, तो और आप क्या चाह रहे हो, इसको एक और पॉजिटिव मिल जाए, वो कह रहा है मेरे पास जगह ही नहीं है भाई एक पॉजिटिव की, एक इलेक्ट्रॉन भी देने के लिए तेरे पास, पर आप चाह रहे हो नहीं तेरे को लेना पड़ेगा। अब जबरदस्ती करोगे तो ये क्या करेगा, ये एक एयर का एटम पकड़ लेगा, कोई भी पास में एयर का पार्टिकल पकड़ेगा, उसका एटम पकड़ लेगा, उस एटम में न्यूक्लियस होगा,
पॉजिटिव चार्ज होगा और एंड वाले शेल में नेगेटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव और भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनर शेल में, वो तो नहीं बाहर निकल सकते। आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन एयर में से निकालना आसान नहीं है, पर आपने इतना हाई पोटेंशियल डेवलप कर दिया, इतना चार्ज डेवलप कर लिया कि जो भी एयर का पार्टिकल इसके कॉन्टैक्ट में है उसको इसने ब्रेक कर दिया, आयनाइज कर दिया, ब्रेक ही कर दिया। जल्दी जल्दी नहीं हो सकता, बहुत चार्ज देना पड़ता है इसे, तब ऐसा होता है। पर अगर आपने ऐसा कर दिया और आप चाह रहे हो कि और चार्ज इसको जाए, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा मेरे पास तो तेरे को देने के इलेक्ट्रॉन है नहीं, पर तू चिंता ना कर, तेरे को लेके देता हूं, रुक। कैसे? एयर के इलेक्ट्रॉन एटम के इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा। खींच लिया, एयर के ऊपर पार्टिकल के ऊपर सिर्फ कौन सा चार्ज रह गया, पॉजिटिव। इसको उठा के ये भगा देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, तू तो चल पॉजिटिव। और मेरे को बोलेगा कि देखो एक डेफिशिएंसी मैंने पूरी कर दी इलेक्ट्रॉन लेके, मेरे पास एक सीट है पॉजिटिव की, तो चाहो तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, ये मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। मैं सोच रहा हूँ ये चार्ज ले रहा है, चार्ज ले नहीं रहा, ये चार्ज को अब ओवर फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं 100 इलेक्ट्रॉन मांगूंगा ताकि इसके ऊपर और प्लस चार्ज आ जाए, कैपेसिटी तो है नहीं इसकी, तो ये क्या करेगा, 100 एटम तोड़ देगा एयर के, 100 इलेक्ट्रॉन खींच के मेरे को दे देगा और यहां पर हवा चला देगा, पॉजिटिव चार्जेस की, पॉजिटिव ही पॉजिटिव चार्जेस होते रहेंगे। तो आप कहोगे मैं घर पे जाके देखता हूँ करके, ऐसा होता नहीं होता, बिजली के इक्विपमेंट लूंगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज बढ़ाऊंगा, देखता हूँ चार्जर उड़ते हैं नहीं उड़ते, नहीं उड़ सकते। ऐसा जल्दी जल्दी नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई करना पड़ता है, 3×10^6 वोल्ट पर मीटर, तो ये तो बहुत हो गया, 30 लाख हो गया, 30 लाख वोल्ट पर मीटर, 220 10 वोल्ट तो सुने थे, 30 लाख नहीं कर सकते। तो यानी कि जल्दी जल्दी एयर आयनाइज हो नहीं सकती, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो जल्दी जल्दी एयर आयनाइज नहीं हो सकती, तो इसमें यही कॉन्सेप्ट बताया है। पर हाँ, ऐसा है कि हो सकती है, ऐसा भी नहीं कि हो नहीं सकती, लेकिन एक्सेप्शनल केस है, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूँ कि देखो कैसे चार्ज ओवरफ्लो हो सकता है, जैसे टैंक ओवरफ्लो होता है, तो और कैसे कंप्रेस चार्जेस होते हैं कि बस इससे और चार्ज हो नहीं पाएगा। तो वेरी हाई पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाएगा, एयर आयनाइज हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कंपनसेटेड, स्फीयर कैन टेक वन पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड। हम बोलते हैं चार्ज क्या हो गया, लीक हो रहा है स्फीयर में से। तो ये बेसिक ऑफ कैपेसिटर है, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इसको एयर को आयनाइज करने के लिए, जो जल्दी जल्दी मिलता नहीं। बट आपने ये देखा होगा, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मैं एक फिजिक्स का, आप अंग्रेज लोग देख मूवीज में हमेशा देखने को मिलते हैं, ऐसे विलन बन जाते हैं, स्पेशली वो फिजिक्स के प्रोफेसर ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता, इंटेलिजेंट ज़्यादा होते हैं और गलत रास्ते चल पड़ते हैं। तो वो अगर हम स्पाइडरमैन देखिए, उसके अंदर दिखाया भी हुआ है, 2 या 3, तो वो नाराज़ हो जाता है नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। तो उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की नॉलेज बहुत होती है, तो एक ऐसी मशीन तैयार करता है जो सारे अर्थ के मैग्नेट को, लोहे को खींचती है। अगर आपने कोई ऐसी मूवी देखी है, स्पाइडरमैन की सीरीज है 2nd या 3rd, तो वो सारा पूरा जितना भी आयरन है वो खींचता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड की एक्सपर्टीज है उसकी। पर कई बार विलन हाथों से बिजली स्पाइडरमैन पे फेंकता है, वो बेहोश हो जाता है। वो क्या है, वो एक ऐसी मशीन तैयार करता है जिसमें बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है लाखों में, जिससे कि एयर क्या हो जाती है, आयनाइज। तो बिजली कड़कती हुई बंदे तक जाती है, आयनाइज, करंट लगता है, वो गिर जाता है। मतलब एक वर्चुअल फिक्शन है, ऐसा नहीं है, असली में है नहीं, पर ऐसा हो तो देखो आप कुछ भी कर सकते हो, पर चलो इस रास्ते पे जाना नहीं। पर हम कभी कभी ऐसा करते भी हैं। कैसे करते हैं, छोटे स्केल पे आते हैं। आप मार्केट में जाओ, आपके पास वो होता है, वो मॉस्किटो मारने के लिए रैकेट मिलता है, एक 5 वोल्ट की बैटरी अंदर जाली लगी होती है मेटल की, तो आप उसे ऑन करो और देखो जरा टक 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 टक, और उसमें वो धुएं भी निकलते हैं। बेचारे उस मॉस्किटो के लिए 5 वोल्ट बहुत है, जैसे हमारी बॉडी के लिए 220 वोल्ट बहुत है, तो अब 220 वोल्ट और 400 वोल्ट पे तो बॉडी बचेगी नहीं। जैसे उसी तरीके से उनकी बॉडी नहीं बचती 5 या 10 वोल्ट के ऊपर, तो बस वो उड़ना स्टार्ट कर देते। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड उनके लिए बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनके लिए बहुत हाई पोटेंशियल है, और वो उतना भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, चले जाते हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे ये हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, या पोटेंशियल अगर हाई है तो कैसे बॉडी को नुकसान भी कर सकता है। खैर, इसका कैपेसिटर से लेना देना नहीं है, बट पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं चार्ज की, पोटेंशियल की,
तो किसी भी बॉडी पे जितना चार्ज दोगे उतना ही हाई उसमें पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, और यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इज क्यू अपॉन वी। अगर आप एक स्फीयर को क्यू चार्ज दोगे, वो वी भी मान लो क्यू चार्ज दिया, वी पोटेंशियल हो गया, अगर आप चार्ज डबल कर दोगे तो वी भी डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 क्यू बाय आर। अगर क्यू डबल करोगे वी भी डबल हो जाएगा। तो यानी कि दिस रेशियो रिमेंस सेम। भाई 25 लीटर की बाल्टी अगर मार्केट से लेके आ रहे हो तो वह 27 लीटर पानी स्टोर ही नहीं कर सकती। आप उसमें 5 लीटर पानी डालोगे वो आपकी हेडेक है कि आपने 5 डाला, वो तो कहती है मैं 25 डाल लो। तो कैपेसिटी कभी चेंज नहीं होती, कैपेसिटी कांस्टेंट है किसी भी कंडक्टर की। क्लियर है यहां तक? तो Q ज्यादा करोगे तो V ज्यादा हो जाएगा, Q कम करोगे V कम हो जाएगा, लेकिन C विल रिमेन कांस्टेंट। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। यूनिट्स में चार्ज पे काम किस बंदे ने किया था? कूलम साइंटिस्ट। वोल्ट पे काम किस साइंटिस्ट ने किया था? वोल्ट। और इन दोनों के ऊपर काम किसने किया साइंटिस्ट? फैराडे। अब तुम याद करोगे फैराडे को, तो अब फैराडे की कहानी, वोल्ट याद है? वोल्ट ने भी ऐसे ही बनाया था, पूरे चैप्टर में हमने वोल्ट वोल्ट ही करना शुरू कर दिया। अब तुम फैराडे फैराडे करोगे, तो 1 फैराडे इसका यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो 1 μF 10^-6 फैराडे, 1 pF PF बोलते हैं 10^-12 फैराडे, याद रखना। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक,